हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज का वीडियो का टाइटल है डोंट डू दीज मिस्टेक्स अगर आप जर्मनी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। स्टडिंग इन जर्मनी, डोंट डू दीज मिस्टेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है जो मैंने स्टूडेंट्स के मुँह से सुनी, यहाँ पर इन जनरल ग्रुप्स में देखी, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे अगर आप भी स्टडी करने के लिए आ रहे हैं जर्मनी में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपका गेम जो है वो एकदम चेंज कर सकती है। या तो आप सक्सेस हो सकते हो यहाँ आने के लिए, या हो सकता है रिजेक्शन के कारण आप यहाँ पर ना आ पाओ। तो वीज़ा एप्लीकेशन टूल जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वीज़ा एप्लीकेशन टूल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो आपकी एप्लीकेशन को डिले भी कर सकता है, दैट मीन्स आप यूनिवर्सिटी में टाइम से स्टार्ट नहीं करोगे। एंड द अदर थिंग इज़ वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जर्मनी के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, और अगर आपको पहले से पता हो तो आप बहुत ही ईजिली जो है उसे अरेंज कर सकते हैं और टाइम पे सबमिट कर सकते हैं, जिससे ना डिले होगा ना रिजेक्शन होगा एंड अल्टीमेटली आप यहाँ पर आ पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिंटीबा कंपेनियन टूल में वीज़ा एप्लीकेशन गाइडलाइन है, जिसमें आप पूरा चेकलिस्ट देख सकते हो। आप अपनी पर्सनलाइज गाइडलाइंस जो है वो वहीं पर देख सकते हो। जो भी चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई उसे कंप्लीटेड डाल सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो। एंड बेसिकली ये ऑनलाइन गाइडलाइन होगी आपके लिए, तो आपको सब कुछ पता होगा किस टाइम पे क्या चीज़ जो है वो आपको सबमिट करनी है या अरेंज करनी है। और प्लस आपको किसी की हेल्प भी नहीं लगेगी इसमें, सिर्फ आप एक एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि फिंटीबा कंपेनियन टूल है, उसके अंदर वीज़ा एप्लीकेशन टूल है, उसी से आप सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट रिसेंटली जो है वो अमाउंट चेंज हुआ है सेप्टेम्बर से अमाउंट जो है वो अराउंड 11,908 यूरोज हो गया, जो कि पहले था 11,208 यूरोज के लगभग। अभी 1 सितंबर तक लोग बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉक्ड अकाउंट करा लो, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ दे देती हूँ, बहुत सारे जो कंसुलेट हैं या एम्बेसी हैं जर्मनी की इंडिया में, वो लोग जो है वो अपडेटेड अमाउंट लेने लगे हैं या मांग रहे हैं, तो ये भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को जो है वो डिले कर सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगी, अगर आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट करा रहे हैं तो आप जो है अपडेटेड अमाउंट के साथ कराएं, ताकि आपकी डिले ना हो एप्लीकेशन, या रिजेक्ट ना हो, या फिर आपको फिर से ब्लॉक्ड अकाउंट ना करवाना पड़े विद द एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट कीप दिस इन माइंड अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ब्लॉक्ड अकाउंट करा रहे हैं। फिंटीबा कंपेनियन टूल की लिंक जो है वो कैप्शन पे। बिफोर टेलिंग यू मोर पॉइंट्स अबाउट कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट कुछ पार्ट्स, बट अभी मैं आपको ब्लॉक्ड अकाउंट फिंटीबा से कैसे क्रिएट करेंगे वो बता देती हूँ, ताकि अगर आपको ये लग रहा हो कैसे करना है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बिकॉज ये 10 मिनट में आपका ब्लॉक्ड अकाउंट सेटअप हो जाएगा। सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट और कुछ और इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी होगी और आपका ब्लॉक्ड अकाउंट रेडी हो जाएगा 10 मिनट में। बहुत ही ईजी है, ऑनलाइन है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आप फिंटीबा की ऐप पे या फिंटीबा की जो वेबसाइट है उस पे जाओगे, उस पे ब्लॉक्ड अकाउंट पे जाओगे, एंड देन आपको पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। आर यू अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी स्टडी इन जर्मनी? आप बोलोगे यस। कैलकुलेट योर ब्लॉक्ड अकाउंट, आप जो अपडेटेड अमाउंट है वो डालोगे जो मैंने आपको बोला। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी, इंडिया या आप जहाँ से भी हो वो कर सकते हो। देन यस आई डू करके एंड इंडिया करके, एंड देन आपको अपना सिटी ऑफ बर्थ लिखना होगा, तो यहाँ पर मैं सिटी ऑफ बर्थ डाल देती हूँ अपना। देन आप सिंगल मैरिड, ये सारी डिटेल्स डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपका टिन है तो टिन डाल सकते हो, और नहीं है तो नहीं डाल दो। तो मैं अभी आई डोंट नो टिन, क्योंकि मुझे नहीं पता। देन आपका जो भी जेंडर है वो, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो, तो यहाँ मैं सारी डिटेल्स आपके लिए फिल कर रही हूँ ताकि आपको बता दें। आपका जो भी नाम और लाइक फुल नेम जो है वो, ठीक है। एंड आप US सिटीजन नहीं हो, टैक्स रेसिडेंट नहीं हो, वो आपका पूरा एड्रेस, ओके। देन कंटिन्यू करो,
मतलब अभी तो मैं ऐसे ही बाय डिफॉल्ट डाल रही हूँ। तो ये जो है ये मैंने एड्रेस यहाँ पर फिल किया, आपका यूनिवर्सिटी जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, देन आपका जो भी सेमेस्टर है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। मतलब आपको बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स देनी है, आपकी कौन सी एम्बेसी है जैसे न्यू दिल्ली वो डाल सकते हैं, एंड देन आपके जो भी ये एग्रीमेंट है ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गोल्डन टिकट भी जीत सकते हैं अभी, तो इसमें आपको बेसिकली फुल रिफंड मिल जाएगा आपका 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट, प्लस फिंटीबा जो है अब बार्मर के साथ जो है वो अपना इंश्योरेंस है, तो आप वो भी देख सकते हैं, बार्मर मेंबरशिप मिलेगी आपको, तो ये भी आप कर सकते हैं। और आप सारे ये जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स ये डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रीड करने के बाद अगर आपको कोई वाउचर कोड है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर आपका कोई ईमेल आईडी है तो आप वो डाल सकते हैं। आई थिंक ईमेल आईडी तो आपको डालना पड़ेगा बाकी फॉलो अप के लिए भी, तो आपका ईमेल आईडी हो गया, एंड आपका अगर वाउचर कोड है तो वहाँ डालो, एंड वन टाइम ओपनिंग फीस ये आप देख सकते हैं नीचे सारी डिटेल्स, एंड ओपन बैंक अकाउंट, तो ये आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। प्लस आप ये देख सकते हैं कि फुली फंडेड ब्लॉक्ड अकाउंट 11,208 यूरोज़ का आपको वापस मिलेगा, 31 अगस्त जो है वो डेडलाइन है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, आप चेक कर सकते हो, एंड बहुत ही क्विक स्टेप है, लाइक 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं हुए और आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्विक स्टेप्स के थ्रू बताया कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो, उसके कैसे कुछ क्विक स्टेप्स हैं, उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री मिलेगा अगर आप फिनिटीबर प्लस चूज़ करते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस को भी आप लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं जो उनका होम कंट्री का इंश्योरेंस है और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक जैसा है, बट नहीं, ये डिफरेंट होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अभी इंश्योरेंस कंपनी फिनिटीबा की बार्मर है, तो ऑफ कोर्स आपको बार्मर का इंश्योरेंस मिलेगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट है जर्मनी में, एंड जर्मन स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के हिसाब से है, तो आपको इन केस इससे रिलेटेड लाइक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा अगर आप फिनिटीबा को चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि जर्मन बैंक अकाउंट नहीं होता, यहाँ आ जाते हैं और जर्मन बैंक अकाउंट नहीं होता। आप कितना भी कैश लाओगे एक टाइम के बाद कैश विल रन आउट, और फिर आपको यहाँ का बैंक अकाउंट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, प्लस आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसीड करने के लिए भी आपकी बैंक डिटेल्स होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो फिनिटीबा के साथ जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट कराओगे तो एक चीज़ वो लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको आपका जर्मन ईबान जो कि एक अकाउंट नंबर होता है वो मिलता है, प्लस यहाँ का आपको कार्ड मिलता है जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो। इसमें एक चीज़ इजी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कैश नहीं लाना पड़ेगा बिकॉज़ यू डोंट नो कि कितना कैश आपको ज़रूरत पड़ सकता है, एंड दूसरी चीज़ आपके पास बिकॉज़ बैंक अकाउंट होगा तो आपको कभी भी विड्रॉल करना है तो आप इजीली कर सकते हो, चाहे आपको अकोमोडेशन के लिए करना है या फिर आपको सेमेस्टर फीस पे करनी है या फिर आपको इन जनरल घूमने जाना है उसमें खर्चा करना है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन मिस्टेक जो कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कैश लेके आ जाते हैं और कोई भी उनके पास अकाउंट नहीं होता, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपको पैसे भी मंगवाना है तो यू डोंट नो कि आपको कहाँ मंगाना है, और इतना ईजिली ट्रांसफ़र वगैरह होता भी नहीं है इंडिया से यहाँ पर। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखो अगर आप स्टडी करने यहाँ पर आ रहे हैं। तो द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नो फ्रेंड्स नो फन, तो प्लीज़ यार उस वाले ट्रैप में मत फंसना, फ्रेंड्स बनाओ यहाँ पर आके। प्लस अगेन अगर आप फिनिटीबा चूज कर रहे हैं तो उनकी जो फ्रेंड्स कम्युनिटी है उसमें आपको ईजिली फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपको जो भी मतलब उनको आपको एक्सेस मिलेगा कम्युनिटी एक्सेस, उसमें आप फ्रेंड्स बना सकते हो, घूम फिर सकते हो। तो नो फ्रेंड्स नो फन वाला फंडा जो है बिल्कुल आने के बाद मत करना, बिकॉज देयर आर समथिंग सम प्लेटफॉर्म्स फॉर यू जहाँ पर आप फ्रेंड्स बना सकते हो। कभी कभी होता है कि कॉलेज में आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनते या आपको राइट काइंड ऑफ पीपल नहीं मिलते, बट यहाँ पर जो कम्युनिटी एक्सेस के थ्रू आपको काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जो बेसिकली आपके बहुत ही अच्छे टाइम होगा यहाँ पर। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू पार्ट टाइम जॉब्स फॉर मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस। आप ब्लॉक्ड अकाउंट करा लेते हो, आप सब करा लेते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके एक तो यहाँ पर वर्किंग जो एनवायरनमेंट है कल्चर है वो सीख पाओगे, प्लस आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर पाओगे, कुछ अर्न कर पाओगे,
तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। और सारे स्टूडेंट्स, लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जैसे प्रोफेसर को हेल्प करना, लाइब्रेरी में काम करना। उससे क्या है, आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में भी रह सकते हो और कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। वहाँ पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है पूरा ट्रांजिशन। तो हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शन ज़रूर ढूंढो। यहाँ पर आप मिनिमम वेज देख सकते हो, मिनिमम वेज 12 यूरोज़ के लगभग है, उसके हिसाब से आप कमा सकते हो। इफ़ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, जब जहाँ आप 20 यूरोज़ तक कमा सकते हो, तो ऑफ कोर्स आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का पूरा खर्चा जो है वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके ही निकाल सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो ये भी जो है वो अपने दिमाग में रखते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाउ टू स्टडी गाइडलाइंस या हाउ टू स्टडी। ऑब्वियसली सब लोग जो हैं वो सेम माइंडसेट के नहीं होते, सेम दिमाग नहीं होता, एंड प्लस इंडिया का जो स्टडी है और यहाँ का स्टडी है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा थीसिस लिखनी होती है, वो भी आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो पहले से ही समझ पाओ कि स्टडी जो है वो कैसे करनी है। यहाँ पर भी फिंटीपा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप फिंटीपा के कस्टमर हैं तो आप स्टडी गाइड एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको पता चलेगा डू एंड डोंट्स ऑफ स्टडी, मतलब आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके अच्छे जो हैं वो आप स्कोर भी कर पाओ, आप अपनी डिग्री भी ख़त्म कर पाओ, फ्रेंड्स भी बना पाओ, इंटर्नशिप्स भी ले पाओ और बाद में अच्छी जॉब भी कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू स्टडी। अगर आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर स्टडी कैसी होती है तो वेरी गुड थिंग। अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं से इसकी हेल्प ज़रूर लो आने से पहले, कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है या आप कैसे मैनेज कर सकते हो। बिकॉज सर्टेन टाइम्स आपको पास जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, लोड होता है, जब आपको थीसिस कंप्लीट करनी होती है और थीसिस में आपको थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स जो हैं वो फिल करने पड़ते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्टडी करने आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आप वॉलंटियर वर्क कर रहे ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। बट आप कॉलेज में भी जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लो, वॉलंटियर वर्क करो, ये बहुत अच्छा आपका रिज्यूमे बनाएगा आगे चल के, और ऑफकोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पर कॉलेज में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे नहीं हो तो भी डू लाइक दैट, बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर द लाइक प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो, प्लस अगर आपकी कॉलेज की जर्नी है वो भी बहुत अच्छी बना देगा। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज। ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार हम तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें क्या जर्मन की ज़रूरत है। बट मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि अपनी जर्मन स्किल्स को जो है वो अच्छे से कर लो। कॉलेजेस भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लाइक यूनिवर्सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप जर्मन सीखो, वो भी फ्री में। इसके अलावा फिंटीपा में भी जो लर्निंग प्रोग्राम है, ये जर्मन लर्निंग कोर्सेज हैं वहाँ पर हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो कंटेंट बहुत है आपके पास जर्मन सीखने का, या फिर अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन सीखना ना सीखना जो है वो आपके ऊपर है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं जो चूज़ करते हैं टू लर्न जर्मन, जो ऑफकोर्स आपकी यहाँ की लाइफ, अगर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए ना भी ज़रूरत हो तो यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए आपको ईजी हो जाएगा। और हाँ, हमारा एक लाइफ स्टाइल चैनल है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको जर्मनी की लाइफ स्टाइल देखना है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जॉब पे जाने से पहले, लाइक फेथ करो प्रोसेस पर। फेथ करो प्रोसेस पर मतलब स्टडी 1 साल 2 साल जो भी आपका कोर्स है, इंटर्नशिप एंड देन जॉब। स्टडी के टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी, सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे, फिर आपके थीसिस होंगे, फिर आपकी इन बिटवीन उसी टाइम पे इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप पे भी आपके डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, वर्किंग कल्चर से रिलेटेड, नए लोगों से रिलेटेड। देन उसके बाद, इंटर्नशिप के बाद जो है वो आपको जॉब मिलेगी। जॉब के लिए भी काफ़ी सारी जो है आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की जॉब लेनी चाहिए, किस तरीके की नहीं लेनी चाहिए, किसे हाँ करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फेथ
ऑन द होल प्रोसेस, बिकॉज जर्मनी जो है वो प्रोसेस बेस्ड कंट्री है. बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा, इट्स वेरी स्लो, नथिंग इज मूविंग, क्या यार प्रोसेस 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 फॉलो कर रहे हैं. बट उस पे फेथ रखो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी चीज़ें जो हैं वो भी आसान होती जाएगी. द अदर थिंग इज चूज़ अ रेलेवेंट जॉब जो कि आपके लिए 100% फिट हो. कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी जॉब चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी नहीं होती या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं. तो अगर आपके पास कुछ ऑफर्स हैं तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट काम पे मत करना, क्योंकि वो आपकी आगे की जर्नी को डिफाइन करेगा. तो ऐसी जॉब को चूज़ करना जिसमें आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो या एक्सपर्टीज़ हो या फिर आपको काम करने में मज़ा आए, आपकी आगे की जर्नी इजी कर देगा. एंड इजी के साथ मैं जाती हूँ. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो यहाँ पर आने वाले हैं या स्टडी करने का सोच रहे हैं उनसे शेयर करो. और बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपको वीडियो में. और फिनटिवा की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी आप हमें कमेंट कर सकते हैं. बाय फॉर नाउ.